हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये उड़द की दाल पिसी हुई मार्केट से भी आ जाती है और आप इसको घर पर भी पीस सकते हो। तो उड़द की दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ कर आप इसे मिक्सी में पीस लेना। उसके बाद मैंने इसको पानी में मिला कर रख दिया है। पानी हमको इतना करना है कि ये दाल जो है सारी डूब जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर भी रह जाए। अब हमने दाल को रख दिया है आधा घंटे के लिए। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 1 कटोरी मैदा और 2 कटोरी आटा और 2 चम्मच में हम डालेंगे इसमें सूजी। तो ये हम छान लेते हैं। ये मैंने छान कर तैयार कर लिया है सारी चीज़ें। अब ये 2 चम्मच हम सूजी डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार और ये डाल दी मैंने अजवाइन क्रश करके और ये आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं सरसों के तेल को छोड़कर। और फिर हमको एक आटा गूंद लेना है। इसमें मैं कसूरी मेथी और भूल गई हूँ तो कसूरी मेथी भी डालनी है। अब हम कसूरी मेथी और डाल लेंगे। तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी। अब हम एक अच्छा सा टाइट डो बनाएंगे इसका। ज़्यादा हमें मुलायम सॉफ्ट आटा तैयार नहीं करना है। तो हम दाल देख लेते हैं। दाल भी हमारी फूल चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला 2 छोटे चम्मच। उसके बाद मैंने हींग जीरा डाल दिया। अब हम डालेंगे जो दाल हमारी फूली हुई थी उसको। तो ये मैंने दाल डाल दी। अब इसको हमें भूनना है। इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और ये अमचूर पाउडर और ये नमक। सारी चीज़ें हम डाल देंगे। उसके बाद हमें इसको तब तक भूनना है तब तक ये वाइट से हल्की सी सुनहरी ब्राउन ना होने लग जाए। तो हमें इसको यही टाइम टेकन इसका प्रोसेस है और इसको हमें अच्छे से भूनना है। अगर हमको तुरंत ही कचौड़ियाँ खानी हैं तो हम कम भी भून सकते हैं, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा स्टोर करके रखनी है 2 या 3 दिन के लिए तो हमें ये अच्छे से मसाला तैयार करना होगा। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब इसकी एक पहचान भी है कि जब ये मसाला भुन जाएगा तो ये जो दाल होते हैं बिल्कुल बिखरी बिखरी हो जाती है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सौंफ का पाउडर। ये स्किप नहीं करना है क्योंकि ये इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये देखिए ये बिखरी बिखरी होने लगी धीरे धीरे। अब ये लगभग भुन के तैयार होने वाली है। तो हम इसको बिना रुके हमें चलाते हुए इसको भूनना है। बस इस तरीके से ही। अभी देखिए इसका कलर लगभग चेंज ही हो गया है और ये बहुत ही अच्छा, थोड़ा तीखा बनाए तो आप तीखा भी बना सकते हैं। ये कचौड़ियाँ ऐसी हैं आप 5-6 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तब भी आप इनको बना सकते हैं ले जाने के लिए। ये हमारे यहाँ धांस की कचौड़ी बोली जाती हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है इनको। ये कचौड़ियाँ एकदम खस्ता की तरह से बनती हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती हैं। तो अब हम लास्ट में इसमें हरा धनिया और डाल देंगे। अब हमें हरा धनिया डालने के बाद इतना और भूनना है कि हरा धनिया का मॉइस्चर जो है चला जाए। अब ये बन के तैयार हो गई है। बस अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे। अभी हमारी बन के तैयार हो गई। अब मैं एक बर्तन में पलट लूँगी इसे। अब हम आटा देख लेते हैं। आटे को थोड़ा और निकाल कर अच्छे से थोड़ा मलेंगे। उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट देंगे। ये बराबर साइज़ की लोइयाँ कटती हैं तो इस तरीके से काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बेल ली हैं 4-5। ये देखिए मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हैं। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। ये ले ली हमने फिलिंग, लगभग आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमको लेनी है और इस तरीके से बांधते हुए हमें कचौड़ी को पैक कर देना है। बस ये हमारी तैयार हो गई। आप चाहें तो इसे हाथ से भी पटक के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से ही मैंने 4-5 लोई तैयार कर ली हैं, लेकिन मैं हाथ से नहीं, मैं चकले बेलन की हेल्प से बनाऊँगी। ये देखिए आपको ज़्यादा बड़ी नहीं करना है इनको, छोटी छोटी कचौड़ियाँ ही
बनानी है। ये सारी मैंने बेल कर रख ली हैं। उसके बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पे जो देखना है, हमें ऑयल हमारा ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेज। अब हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेकना है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इनमें। तेज गैस पर ये कच्ची रह जाएंगी और उतना करारापन इनमें नहीं आएगा। ये सारी हमें उलटते पलटते हुए सारी गोल्डन ब्राउन आने तक हमें सेक लेनी है कचौरियाँ। सारी देखो फूली फूली कचौरियाँ एकदम तैयार हैं। बस अब इनका अच्छा सा कलर आ गया है। अब हमें कढ़ाई में से इनको निकाल देना है। तो ये मैंने निकाल दिए। अब इसके बाद दो चार और बची थी तो वो भी सेक लूँगी मैं। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो बनाएं और सबको खिलाएं। थैंक यू।